आचार्य उमा स्वामी की अद्वितीय अनुपम अद्भुत कृति जिसका नाम है तत्वार सूत्र, इसको हम मोक्ष शास्त्र नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आचार्य उमा स्वामी के बारे में अति संक्षेप में। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य हैं उमा स्वामी। कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे आप। विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंत एवं द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध आपका समय है। उमा स्वाति एवं गृद प्रच्छाचारी भी आपके अन्य नाम हैं। प्राचीन जैनाचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे, अतएव आपके जीवन परिचय से जैन समाज अपरिचित है। थोड़ी सी विशेषता ग्रंथ के बारे में। तत्वार सूत्र, यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। समग्र जैन समाज में प्रामाणिकता प्राप्त ग्रंथ है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का है, वही महत्व जैन दर्शन में तत्वार सूत्र का है। जिनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची इस ग्रंथ में सूत्र रूप में उपलब्ध है, अतः इसे सूची ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसका संकलन इतना सुसंबद्ध एवं प्रामाणिक साबित हुआ कि महावीर भगवान की वाणी की तरह जैन दर्शन का आधार स्तंभ सिद्ध हुआ। सच्चे शास्त्र का उपलक्षण या प्रतिनिधि ग्रंथ है ये। सारे भारतवर्ष के जैन परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में और जैन विद्यालयों में यह निर्धारित है। सब जगह पढ़ते हैं लोग, पढ़ाया जाता है। इसमें कुल सूत्र 357 हैं, 357। अब जरा हम यह जानने का प्रयास करेंगे सूत्र क्या चीज है। तत्वार सूत्र जैन साहित्य का आदि सूत्र ग्रंथ है। व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। छंद में गद्य की अपेक्षा कम शब्दों में अधिक विषय एवं सूत्र में छंद की अपेक्षा कम से कम शब्दों में अधिक विषय होता है। सूत्र अर्थात गागर में सागर भरना। सूत्र की रचना में आधी मात्रा बच जाने पर सूत्रकार पुत्रोत्सव समान सुख मानते हैं। सूत्रों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से होता है। सूत्रों की रचना एवं क्रम युक्ति संगत होता है। सूत्र अर्थात धागा, साधक संकेत। जैसे सूत्र में पिरोई हुई गुमती नहीं है क्या सुई, वैसे सूत्र का पाठी दुर्गति में भ्रमता नहीं है। शास्त्रों में कहा भी है, डोरा सहित सुई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। अब हम इस ग्रंथ के नाम की सार्थकता के बारे में जानेंगे। यह ग्रंथ सूत्र रूप में है, इसलिए इसका सूत्र नाम सार्थक है। तत्वार्थ नाम सार्थक है क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है जो कि 10 अध्यायों में निम्न प्रकार से है। प्रारंभ के 4 अध्याय इनमें जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का, 8वें अध्याय में बंध तत्व का, 9वें अध्याय में संवर व निद्रा तत्व का तथा 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण किया गया है। देखिए, इसका पहले ही बता चुके अपर्णा मोक्ष शास्त्र है क्योंकि प्रारंभ मोक्ष मार्ग से होता है एवं अंत में भी मोक्ष का ही वर्णन है। यदि हम इनकी टीकाओं के बारे में जाने इस ग्रंथ की, तो देखते हैं दोनों दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदायों में संस्कृत एवं हिंदी की टीकाएं और भाष्य उपलब्ध हैं। कुछ टीकाएं निम्न हैं।
आचार्य का नाम पूज्यपाद, उनकी टीका है सर्वार सिद्धि। बहुत महान ग्रंथ है सर्वार सिद्धि, बहुत सुंदर व्यवस्थित टीका। इसके बाद आगे चल के आचार्य कलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक टीका लिखी, जिसमें वार्तिकें भी बहुत सारी हैं जो स्वयं सूत्र रूप जैसी हैं। इसके बाद विद्यानंदी आचार्य ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखी, सात बड़े बड़े भाग हैं, बहुत मोटे मोटे। समंत्र भद्द आचार्य, इन्होंने गंध हस्ती महाभाष्य लिखा, चूंकि यह अप्राप्त है, यह प्राप्त नहीं होता, कहाँ गया पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत विशाल गंध हस्ती महाभाष्य लिखा है। डूंडारी भाषा के प्राचीन विद्वान पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल ने अर्थ प्रकाशी का लिखा, और आधुनिक जो टीकाकार विद्वान हैं, जो अभी कुछ समय पूर्व हो चुके हैं, इनमें पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचारी, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचारी, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचारी, पंडित राम जी भाई दोषी आदि। इसके बाद भी तत्वार सूत्र पर लोगों को, विद्वानों को संतुष्टि नहीं हुई। अनेक मनीषी विद्वानों ने लगातार इस पर टीकाएं लिखी हैं। यदि अभी इकट्ठी की जाएँ तो सैकड़ों टीकाएँ उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसा यह महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को गागर में सागर कहा जाता है, इसमें जनागम का संपूर्ण रहस्य भर चुका है, भरा हुआ है। जो जीव इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, उनका कल्याण नियम से होगा, निश्चित रूप से होगा, अल्पकाल में होगा। इसलिए सभी साधर्मी जन इस महान ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करें, चिंतन करें, पठन करें, मनन करें। इसी उद्देश्य से क्रम से अब पूरे दसों अध्यायों की चर्चा करने का भाव है, उस भावना के अनुसार प्रारंभ करेंगे। अभी यहाँ पर ही विराम लेते हैं, सभी तैयार हो जाएं जानने के लिए तत्वार सूत्र के बारे में। जय जिनेंद्र।